लिए तैयार है साहो मूवी के साथ बॉलीवुड की इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। क्या स्क्रीन में दिखने वाली श्रद्धा और प्रभास की जोड़ी होगी बॉलीवुड और टॉलीवुड की नई सुपरहिट जोड़ी? क्या प्रभास अब बॉलीवुड में एंट्री लेना चाहेंगे साहो के हिट होने के बाद? क्या प्रभास है इंडिया में हाईएस्ट पेड एक्टर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज के चैनल में, जहाँ मैं आपको बताऊंगी साहो फिल्म की सारी न्यूज मैन्युफैक्चरिंग से बॉक्स ऑफिस तक की। साहो 2019 में आई मूवी है जो कि एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन इससे सब इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहेंगे, क्योंकि ये मूवी मल्टीलिंगुअल फिल्म है जो कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में रिलीज हुई है। इस मूवी में दर्शक पहली बार प्रभास को हिंदी बोलते हुए भी सुनेंगे। जी हाँ, इस मूवी में प्रभास ने हिंदी के लिए डबिंग का सहारा ना लेते हुए खुद ही हिंदी बोलना आसान समझा। साहो का ट्रेलर 10 अगस्त 2019 में रिलीज हुआ था और इसके टीजर को यूट्यूब में 80 मिलियन व्यूज मिले थे। साहो 10,000 स्क्रीन के साथ इंडिया में 30 अगस्त 2019 को रिलीज हुई थी, लेकिन 2017 में ही साहो के लिए प्रिंसिपल फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी गई थी। फिल्म की शूटिंग इंडिया के अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, रोमानिया और ऑस्ट्रिया सिटीज में भी हुई है। इन सब बातों को ध्यान देते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि साहो इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म्स में से आ सकती है। अब इस मूवी का बजट 350 करोड़ है और वहीं प्रभास ने इस मूवी के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज कर लिए। श्रद्धा ने भी इस मूवी के लिए अपनी फीस इंक्रीज करके 7 करोड़ चार्ज किए। अब बात करते हैं साहो मूवी की कास्ट की, तो इसमें लीड में प्रभास और श्रद्धा कपूर की जोड़ी है। इसमें और लोग भी नजर आएंगे, जैसे कि जैकी श्रॉफ, नील नितिन मुकेश, अर्जुन विजय, चंकी पांडे, महेंद्र बेदी भी मुख्य भूमिका में देखे जा सकते हैं। इस मूवी में जैकलिन फर्नांडिस ने भी बैड बॉय सॉन्ग के लिए कैमियो किया है। एक्टर प्रभास बाहुबली की सफलता के बाद इस मूवी में सिद्धांत आनंद के साहो की भूमिका में इस मूवी में एंट्री में अशोक चक्रवर्ती के तौर पर होगी। एक्टर्स ने इस मूवी से हिंदी सिनेमा में फॉर्मर डेब्यू किया है और श्रद्धा कपूर ने इस मूवी से साउथ सिनेमा में डेब्यू किया है और वो इस मूवी में अमृता नाई के किरदार में है, जो कि एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर है। अब 2018 में श्रद्धा की 3 मूवीज में से सिर्फ स्त्री ही बॉक्स ऑफिस में अच्छा कलेक्शन कर पाई। इसके बाद 2019 में उनकी साहो और छिछोरे दोनों ही बॉक्स ऑफिस में इतनी हिट नहीं हुई थी, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि छिछोरे की स्टोरी लाइन और मैसेज काफी स्ट्रांग था, लेकिन ये फिर भी नहीं सफल हो पाई बॉक्स ऑफिस में अपना जादू चलाने में। तो चलिए अब इसी पे वापस आते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि जैकी श्रॉफ ने मूवी में प्रभास के पिता का रोल निभाया है, जिनके किरदार का नाम नरंतक रॉय है, और इस मूवी में अरुण विजय एक मुख्य भूमिका में है जो कि विश्वांक रॉय के किरदार में है, और जैकी श्रॉफ के बेटे बने हुए हैं लेकिन किरदार का असली नाम इकबाल है। नील नितिन मुकेश एक स्टाइलिश विलन के रोल में नजर आ रहे हैं, जिनका किरदार का नाम है जो कि अशोक चक्रवर्ती के कैरेक्टर में भी है। विलन लिस्ट में एक और नाम चंकी पांडे का भी है, जो कि देवराज के किरदार में है। मंदिरा बेदी भी इस मूवी में मुख्य किरदार के रूप में है, जो कि काल्की की भूमिका निभा रही है। वही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कॉमिक रोल के लिए फेमस वेनिला किशोर भी इस मूवी में गोस्वामी का किरदार में नजर आने वाले हैं। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की स्टोरी की बात शॉर्ट में करें तो इसमें एक अंडरकवर एजेंट अपने पार्टनर के साथ एक चोर को पकड़ने के लिए जाते हैं और ये चोर को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जिससे 2000 करोड़ रुपीस की चोरी की होती है। और जैसे जैसे वो इस केस को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हुए उन्हें ये पता चलता है कि इस केस का लिंक जाने माने क्राइम लॉर्ड की डेथ और फेमस गैंग वॉर से जुड़ा हुआ है। अब इस स्टोरी में ये क्राइम का एंगल, ये चोरी का एंगल कहाँ से आ गया? दोस्तों, इस स्टोरी में ना क्राइम लॉर्ड नरनाटक रॉय है, जो कि वो एक वाजी सिटी के क्राइम बॉस है। कार क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन कार क्रैश देवराज ने क्राइम वर्ल्ड की कुर्सी पाने के लालच से करवाई होती है। ये मारना मुरना तो आसान हो गया, कुर्सी पाने के लिए किसी को भी मार दो। तो दोस्तों, अब देखो, देखा जाए तो जय जो कि चोर के किरदार में दिखाया जाता है, वही एक अंडरकवर एजेंट अशोक चक्रवर्ती होता है और जो इस केस को सॉल्व करने अमृता के साथ आता है। अब जिस तरह कोयला अपने अंदर हीरा छुपाया होता है, वैसे ही नरनतक रॉय ने भी 25 का राज छुपाया हुआ है, जो कि साहो के किरदार में नजर आता है। साहो इस मूवी में रियल चोर होता है, जो कि अपने पिता की खूनियों को पकड़ने के लिए चोरी का नाटक करता है। यही मूवी का मेन ट्विस्ट भी होता है और स्ट्रॉन्ग एक्टिंग, पावरफुल विजुअल्स, ग्रेट एडिटिंग, फुल एक्शन पैक्ड
सस्पेंस स्टोरी, गुड केमिस्ट्री एंड सॉन्ग से भरपूर ये मूवी सिर्फ 433 करोड़ का ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन कर पाई। दोस्तों आपको कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वहीं अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट मुस्कान गुप्ता ने लिखी है। शुक्रिया।